हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में पासवर्ड वैलिडेटर बनाएंगे। जब भी किसी यूजर ने हमारी वेबसाइट पे आना है, हमने इसको लॉगिन करने के लिए बोलना है। पहले रजिस्टर करेगा, उस टाइम रजिस्टर करते टाइम एक पासवर्ड सेट करना होता है। वो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या वैलिडेशन लगी चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए या फिर कुछ स्पेशल सिंबल, हमने इसको बताना है कि ऐसा पासवर्ड सेट करो। उसके लिए हमें वैलिडेशन लगानी पड़ती है, तो वो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर मैंने जो अपना पेज ऐड कर रखा है, इधर एक फंक्शन है, इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट एक फंक्शन का नाम मैं पासवर्ड रख देती हूँ। फ्रॉम करना है किधर से, जो मेरा पेज होगा, मेरे पेज का नाम है इंडेक्स, तो ये वाला पेज रहेगा। इधर मैं कोडिंग करूंगी और जहाँ पे लिख देते हैं अपने फंक्शन का नाम जो अभी हमने क्रिएट किया है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इधर चलते हैं। तो यही फंक्शन हमने इधर बनाना है, फंक्शन पासवर्ड, इसमें रिटर्न कर दो, इसको भी एक्सपोर्ट कर दो। डिफॉल्ट किसको करना है, पासवर्ड को। रिटर्न में मैं पहले H1 में लिख के देख लेती हूँ, चेक कर लेते हैं क्या हमें आउटपुट नजर आ रही है। चेक कर लेते हैं, तो ये लिखा गया पासवर्ड, इसके स्पेलिंग ओके कर देते हैं। चलिए अब जहाँ पे चलते हैं, पहले हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए जिसके अंदर पासवर्ड एंटर करना है। इसकी टाइप पहले लिखो, पासवर्ड आनी चाहिए। टाइप हम इसलिए मेंशन करते हैं ताकि जब भी कोई बंदा पासवर्ड एंटर करे तो वो किसी को नजर ना आए। साथ में डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट और इंपोर्ट भी हो गया, जहां से इंपोर्ट कर लो, पासवर्ड को इंपोर्ट किया। जहाँ पे एरर है जल्दी से चेक कर लेते हैं। इधर मेरे पास डिपेंडेंसी रहेगी, तो उठा के इस ब्रैकेट के बीच लिख दो, इसको कर लो सेव। इनपुट फील्ड लगे, अब इसके अंदर जो भी मैं एंटर करूंगी ऐसे नजर नहीं आएगा क्योंकि टाइप हमने इसकी पासवर्ड रखी है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम ना फंक्शंस वेरिएबल्स बना लेते हैं, जो भी हमें वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट लगा के। मुझे सबसे पहले एक पासवर्ड वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ सेट पासवर्ड। यूजर स्टेट लगेगा, इंपोर्ट हो गया यूजर स्टेट, और इसकी जो डिपेंडेंसी वो ब्लैंक रहेगी, खाली बिल्कुल। एक और पासवर्ड बनाओ, इसका नाम हम स्ट्रेंथ रख देते हैं, हमने इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है पासवर्ड की। तो यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे कर दो पेस्ट, और इसकी जो S है वो कैपिटल में कर दो। ये सब मैंने बताया हुआ है क्यों हम लगाते हैं, इसको भी हम ब्लैंक ही छोड़ेंगे। कॉन्स्ट एक फंक्शन बना लो, इसका नाम, एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम, इसका नाम है वैलिडेट रख देती हूँ। एक जहाँ पे पैरामीटर पास कर लो, इनपुट नाम का कोई भी नाम लिख सकते हैं। एरो फंक्शन मेरा बन के रेडी हो गया। कॉन्स्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक मैं स्ट्रॉन्ग पी एक वेरिएबल बना रही हूँ। अब जहाँ पे मैं आपको कोड बताऊंगी, वो कोड मैंने लिख के रखा है, तो हो सके मैं ये कोड आपको प्रोवाइड करवा दूंगी क्योंकि ये वैलिडेशन के लिए यूज होता है। जब भी हमने कोई वैलिडेशन फॉर्म की लगानी है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो इसको मैं कॉपी करूंगी, यहाँ पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कैसे, पेस्ट कर दो। ये हो गया एक कोड, एक और बनाओ कॉन्स्ट, इसका नाम रख दो मीडियम। पासवर्ड हमने करने हैं डिफाइन, मीडियम पी रख देते हैं इसका नाम। जो दूसरा कोड है इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये दूसरे वेरिएबल में आएगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो जो कोड मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पर लिखेंगे इफ, यहाँ पे लिखो जो स्ट्रेंथ पी है, स्ट्रेंथ पासवर्ड वाला हमारा पहला वेरिएबल, अगर स्ट्रेंथ पासवर्ड डॉट टेस्ट करेगा इसको, इनपुट चेक करेगा कि हमने वहां पे एंटर क्या किया है। तो यहाँ पे एक बंद कर दो ब्रैकेट, सेट स्ट्रेंथ जो हमारा है जे वाला, ऊपर जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था सेट स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रॉन्ग। मेरे पास जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अगर मेरे पास जे वाला पासवर्ड रहेगा
इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर रखा है ए टू जेड। बेशक वो स्मॉल में टाइप करे, एक उसमें ए टू जेड स्मॉल वाली एबीसी आनी चाहिए, एक ए टू जेड कैपिटल में भी कुछ आना चाहिए, स्पेशल सिंबल भी आने चाहिए। मतलब हर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसको मिला के बनता है। मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 ऐड कर दूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे ऐड द लेटर लगा दूंगी, जे कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग आ जाता है, उसके बाद मैं फिर से कोई लेटर ऐड करूंगी, तो उसमें अगर मैं कोई कैपिटल में लेटर ऐड कर दूं तो जे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है बेसिकली। मतलब नंबर्स का भी कॉम्बिनेशन हो, कैपिटल में भी कुछ लिखा हो, स्मॉल में भी लिखा और स्पेशल सिंबल, तो जे हमारा एक कंप्लीट होता है पासवर्ड, जिसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलते हैं, वो सब काउंट होगा इसमें। मैंने सब कुछ ऐड कर दिया तो वो मेरा पासवर्ड जाएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में। अगर किसी ने जे वाला पासवर्ड सेट किया होगा तो उसको मैं मैसेज ही दे दूंगी एक कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहले इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे एट द रेट देन दूसरा भी वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने इफ कंडीशन कंप्लीट करनी है। एल्स लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, एल्स इफ मीडियम, जो हमारे मीडियम पी है, अगर किसी ने मीडियम ही पासवर्ड रखा है, उसने कुछ भी ज्यादा इसमें ऐड नहीं किया, वो ठीक ठाक सा पासवर्ड उसने एंटर किया, लेंथ भी ज्यादा नहीं है उसकी, उसने सारे सिंबल्स भी ऐड नहीं किए, बस ठीक ठाक है, जे चल जाएगा मतलब, तो उसको टेस्ट करेगा इनपुट, उसको एक मैसेज ही जाएगा सेट स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैसेज उसको दे दो, कोई भी ऐड कर दो, मैं बोलूंगी इसको कि ये मीडियम है, मीडियम में चला जाएगा, एल्स नहीं तो सेट स्ट्रेंथ में शो करा दो वीक। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मैं इसको बोलूंगी कि ये एक वीक पासवर्ड है। तो अभी यहाँ पर हम इसको कर देंगे, और मुझे एक हमारे पास इधर को आउटपुट नहीं ना आई, यहाँ पे देखो मैं पासवर्ड एंटर कर रही हूँ, तो उसके लिए हमें आउटपुट शो करानी पड़ेगी इनपुट फील्ड के ऊपर जाके, क्योंकि मैंने इनपुट फील्ड में क्या एंटर किया है इसको पता होना चाहिए। दूसरे के लिए जब तक हम ऑन चेंज नहीं लगाएंगे ना एक मैथड, तब तक इसको पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे एक नाम रख देती हूँ, उसका नाम है हैंडल चेंज, इसको कॉपी कर लो। ऑन चेंज पे करेंगे, ऑन चेंज मतलब मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे नजर आना चाहिए, तो उसके लिए ऑन चेंज हम फंक्शन बनाएंगे, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ, इधर कॉन्स्ट बनाओ वो वाला फंक्शन ऑन चेंज, एक पैरामीटर पास कर लो सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, जब भी कोई बंदा इसमें वैल्यू कोई एंटर करेगा, जो इनपुट फील्ड रहेगी उसमें क्या एंटर किया है उसको हम यहाँ पे वैल्यू बोलते हैं, तो मैंने जो भी वैल्यू ऐड करी होगी वो उसको गेट कर लेगा, फिर चेक करेगा। तो यहाँ पे फिर कॉल कर देंगे हम किसको, वैलिड वाला हमने जो अभी फंक्शन बनाया था, नाम देख लो इसका, ये वाला वैलिडेट है, इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, तो जो भी इसमें कोडिंग है वो अपने आप यहाँ पे हो जाएगी, परफॉर्म ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। पहले इसको रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अभी मेरे पास यहाँ पर मैसेज नहीं आ रहा है, एक बार एरर चेक कर लेते हैं, मेरे पास मैसेज आना चाहिए जैसे जैसे मैं पासवर्ड टाइप करूंगी, एरर कोई भी नहीं है, सब कुछ ओके है। चलिए इधर ही देख लेते हैं, हमारे पास इधर ही प्रॉब्लम है, इधर हमने मैसेज शो कराना है, तो वो हम कहाँ पे कराएंगे, मैं इसको बोल देती हूँ पी पैराग्राफ में करा देते हैं, किधर कराना है, इनपुट फील्ड के बाद, तो इसीलिए हमें मैसेज ही नहीं आ रहा, पी में करा दो, H1 में करा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। H1 में लिखो, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देती हूँ, पासवर्ड स्ट्रेंथ हमने जो ऐड की है, तो यहाँ पे बस अपना वेरिएबल पास कर दो, कौन सा स्ट्रेंथ, इसको करो रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो स्ट्रांग आ गया। अब यहाँ पे फिर से मैं इसको हटा देती हूँ, अब देखो वीक मैंने जस्ट ऐसे ही ऐड किया, अब मैं पासवर्ड शो करा देती हूँ मैं क्या ऐड कर रही हूँ, जितना मर्जी मैं ये देखो स्ट्रेंथ की जितनी मर्जी हो जाए लेकिन ये वीक ही रहेगा। उसके बाद मैं इसमें कुछ स्पेशल सिंबल ऐड करूंगी, उसके बाद 1, अब मीडियम आ गया ठीक है, 2 3, अब यहाँ पे मैं कैपिटल में कुछ ऐड करूंगी, अब देखो स्ट्रांग, ये होता है हमारा कंप्लीट एक पासवर्ड। तो यहाँ पर ये हर एक चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यहाँ पे आप मैसेज दो कोई भी अच्छा सा मैसेज दो,
कि जो स्ट्रॉन्ग है वीक है, मैंने जस्ट ऐसे ही ऐड किया है, सीएसएस ऐड करके कंप्लीट आपका एक जो प्रोजेक्ट बनेगा कैसे हम वैलिडेट करते हैं फॉर्म को। तो बेसिकली हर एक फॉर्म में ये यूज होता है, ये छोटी छोटी चीजें जब कंपनी में काम करते हैं तब बहुत काम आती है। हमने किसी यूजर को पासवर्ड ऐसे ही सेट करने नहीं देना, तो वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करती हूँ वीक आ जाएगा, यहाँ पर मैं अब देखो मीडियम आ गया, एक कैपिटल लेटर। जब तक हम हर एक चीज नहीं ऐड करेंगे तब तक ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बनेगा। तो हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।